14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके आवास पे भोज का आयोजन किया गया। भोज की तैयारी किस तरीके से होगी दादा, इस बार भोज पे किस तरह की तैयारी होगी, कौन कौन लोग जो होंगे उनको निमंत्रण दिया जाएगा और क्या क्या इस बार खास रहेगा दही चूड़ा के मौके पर? देखिए, इसमें इसकी सबसे इस पर्व की और महोत्सव की खूबी है, यह सारे देश में किसी न किसी नाम से मनाया जाता है। ये साउथ में पोंगल के नाम से मनाया जाता है, दिल्ली में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है और बिहार में आपको मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो ये सूर्य से संबंधी है, प्रकाश के प्रतीक माना जाता है और उस दिन लोग का माने मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि खरवास खत्म होता है और शुभ काम शुरू होता है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि देखिए, ये फसल ये आयोजन तब किया जाता है जबकि फसल लोगों के घर में आ जाता है। इसमें जो सामग्री प्रयोग की जाती है वो भारतीय जनजीवन में जो सामग्री घर में प्रयोग की जाती है वही यहाँ दही चूड़ा तिल और गुड़, ये सभी तिलकुट, ये सारी सभी सामग्री यहाँ के किसान पैदा करते हैं, यहाँ होता है। तो इस अवसर पर वर्ष के शुभारंभ में इस महोत्सव को हम लोग मनाते हैं और सबसे बड़ी खूबी है कि आजकल के कपलेट की युग जमाना में पत्तल पर लोग, मुख्यमंत्री भी पत्तल पर खाते हैं, वही सामग्री खाते हैं जो एक मजदूर बगल में काम करने वाला चाहे कहीं काम करने वाला उसके साथ है। जो सोसाइटी के विभिन्न तबके के, इसमें शिक्षक भी आएंगे, इसमें वकील भी आएंगे, इसमें राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी आएंगे और शैक्षणिक जगत से संबंधित काफ़ी छात्र आएंगे। इसमें छात्रों के प्रतिनिधि आए थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग काफ़ी संख्या में शरीक हो रहे हैं। इसलिए ये तो है कि सामग्री तो सभी जगह से आ रही है, बेतिया से भी आ रही है, दही कहीं से आ रहा है, पटना से भी दही आ रहा है, तारा से भी दही आ रहा है, रोहतास से भी कुछ दही आ रही है, ये जो भूरा कहलाता है नालंदा से आ रहा है, वहाँ से सब्जी भी आ रही है, कहीं से डुमराव से टमाटर भी आ रहा है, फतुहा से भी कुछ सामान आ रहा है, अलग अलग सामग्री जो साथी जिन इलाकों में जो पैदा होता है उसको ले आते हैं। और चिवड़ा का तो मत पूछिए, बेतिया के का चिवड़ा खूबसूरत होता है, मोतिहारी का, भागलपुर का और हम लोगों के यहाँ सोनाचूर का भी होता है, ये सभी जगहों से आया ऐसा, इसलिए स्वाद बहुत अच्छा होगा, ये चीनी भी रहेगा और गुड़ भी रहेगा, आ गुड़ जिसमें पड़ जाता है उसका स्वाद तो ऐसे ही अच्छा होता है। बिल्कुल, तो और चीनी जिसमें पड़ जाता है स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। नालंदा के सब्जी आएगी और गुड़ आएगा तो बेतिया से चूड़ा, तो हम कह सकते हैं कि वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर होने वाला चूड़ा दही का जो भोज है, कई तरीके से जो सामग्री एक जगह से मिलेगी उसी तरह कई राजनीतिक दल भी नए साल में मिलेंगे और जेडीयू मजबूत होगा, यह कहना है वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है। साथ ही साथ उनका यह कहना है कि पहले बार की तरह इस बार भी पत्तल पे सभी एक समान होंगे, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या आम आदमी, सभी पत्तल पे खाएंगे। सहयोगी रवि मिश्रा के साथ गणेश सम्राट, न्यूज फॉर नेशन, पटना।